जो आपने कहा डॉक्टर रमन, हम लोग यही समझ रहे थे कि ये तो हवा में कहीं से भी आ जाएगा, हवा में तैर रहा है और कहीं भी हम इन्फेक्ट इससे हो जाएंगे। डॉक्टर प्रज्ञा, यही बात जो डॉक्टर रमन कह रहे हैं, इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, क्या आजकल हम जो केसेस देख रहे हैं कि अगर घर में एक पॉजिटिव होता है तो वो संक्रमण डॉक्टर प्रज्ञा सभी को हो जाता है, धीरे धीरे पूरी फैमिली पॉजिटिव हो जाती है, तो क्या इसी एयरबॉर्न की वजह से ऐसा हो रहा है? एक्चुअली अभी जो एक लैंसेट पे एक नया पेपर आया है जिसको उन्होंने बताया है कि जो एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शंस हो रहे हैं और उसमें अराउंड 59% ऐसे इन्फेक्शंस हो रहे हैं, उसमें जो ये इन्फेक्शन घरों में हो रहा है उसका मेन कारण जो है वो एरोसोल ट्रांसमिशन, मीन्स हवा के जब हम सांस ले रहे हैं। कहीं कहीं पे ऐसा भी हुआ कि कुछ लोगों ने ऐसा बताया कि वो कभी भी घर से बाहर भी नहीं गए लेकिन उनके सेम फ्लोर पे बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड थे, या उनके घर आसपास जो दरवाजे हैं एक दूसरे के सामने खुलते हैं। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये जो हवा के थ्रू जब हम सांस ले रहे हैं तो वो हमें इनहेल हो रहा है और उसकी वजह से ये ट्रांसमिशन तेजी से होता है बाकी फैमिली मेंबर्स को। अगर आप इसी तरह का एपिसोड देखेंगे जहाँ पे भी जी पब्लिक गैदरिंग हुई है और जहाँ पे भी इस तरह के सुपर स्प्रेड इवेंट्स हुए हैं वहाँ पे भी आपने देखा है कि जो केसेस हैं वो बहुत तेजी से फैलते हैं और ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो एरोसोल ट्रांसमिशन है कहीं ना कहीं ये हो रहा है। एक्चुअली अगर आप हम ट्यूबरकुलोसिस या मीजल्स का एग्जांपल देखें तो बहुत सालों तक लोगों ने एयर सैंपलिंग करने की कोशिश की और प्रूव करने की कोशिश की कि जो पैथोजन था वो हवा में है, लेकिन ये जो मेथड है वो बहुत डिफिकल्ट है प्रूव करना कि आप हवा से वायरस ले ले और उसको लाइव कल्चर करके डिमॉन्स्ट्रेट कर दे कि वायरस लाइव वहां पे प्रेजेंट है। लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस है